जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कक्षा नौवीं आपका विद्यार्थी दक्षता समर्थन या मार्क टेस्ट जो होने वाला है आज, जो फाइनली असली पेपर लेकर आ चुका हूं। आपका टोटल 100 अंक का पेपर होने वाला है। आपका समय 3 घंटा मिलेगा और इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, मतलब 5 सब्जेक्ट आपका होने वाला है। तो मैं एक एक सब्जेक्ट करके सभी का मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ OMR sheet कैसे मिलने वाली, ये देख सकते हो, जो कि हमारे पास पहले से उपलब्ध है। आप यहाँ पर देख सकते हो शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दमोह, आप यहाँ पर लिखा, लेकिन यहाँ पे अपने जिले का नाम लिखा रहेगा आपके। और यहाँ पे आपको भरना कैसे है, आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो 4-4 गोले मिलेगा, लेकिन आपका जिस जो ऑप्शन सही रहेगा उसी में आपको ब्लैक पेन से आपको भरना है, और भरते समय आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। सही इस तरीके से आप अपना यहाँ पर डेट डालोगे और अपना अपना यहाँ पर स्टूडेंट नेम डालोगे, और इस तरीके से आपको OMR sheet जमा हो जाएगी, और जो एक पेपर मिलेगा ये पेपर आप अपने हाथ में घर लेकर आ सकते हो। तो इस तरीके से आपको हिंदी का पेपर है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको बगल में ही एक पैसेज मिलेगा जो कि अध्यांश होता है, हिंदी में इंग्लिश में पैसेज रहेगा। इस तरीके से आपको पढ़ोगे, पढ़ के आपको ऑब्जेक्टिव 4-4 ऑप्शन रहेगा, कोई सब्जेक्टिव लिखने का नहीं रहेगा, आपको टिक लगाने वाला ऑब्जेक्टिव रहेगा। इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। आप यहाँ पर पढ़ोगे, जैसे कि पहले नंबर आप यहाँ पर देखोगे दिए गए गद्यांश को, यहाँ पर लिखा है दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इसे आप पढ़ोगे तो 1 से 5 तक का उत्तर जो प्रश्न है इसी में से आने वाला है। जैसे पार्ट 1 पढ़ते हो अपने बुक में और लास्ट में जो आपको वहाँ पर क्वेश्चन आंसर होता है उस पार्ट में से पढ़ के छाँटते हो। इस तरीके से इस गद्यांश को पढ़ना है और 1 से 5 तक जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको छाँटना है इसी में से। तो यहाँ पर मैं आपको प्रश्न पढ़ के 4-4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है तो मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने एग्जाम में अच्छे से पढ़ना होगा, जो कि मैं यदि मैं पढ़ूँ तो अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ और आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख सकते हो। मैं सबसे पहले बात बता दूँ, यदि आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो सबसे पहले पेपर यही मिलेगा इसी चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, पैसा कुछ नहीं लगता। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हो, रामलाल की तबीयत क्यों खराब हो गई थी। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेगा, पहला मिलेगा अत्यधिक काम के कारण, दूसरा मिलेगा खराब मौसम के कारण, तीसरा मिलेगा भूख के कारण, तीसरा मिलेगा बीमार होने के कारण। तो यहाँ पर मैं पहले लगा दिया हूँ अत्यधिक काम करने के कारण ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि इसे पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। आपको उत्तर कोई यहाँ पे बाहर से नहीं याद करना, इसी से याद करना है। पहला क्वेश्चन देखोगे, गांव के प्रधान ने रामलाल की मदद की किस प्रकार की थी। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेगा, पहला नंबर मिलेगा डॉक्टर को बुलाकर, 2 नंबर मिलेगा रामलाल को पैसे उधार देकर, 3 नंबर मिलेगा डॉक्टर की सारी फीस भरकर, 4 नंबर मिलेगा रामलाल के खेतों में देखभाल करके। अब मैंने यहाँ पर पहले ही टिक लगा रखा है, लेकिन आपको टिक नहीं लगाया हुआ मिलेगा, आपको खुद से लगाना पड़ेगा, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हो। तो आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर की सारी फीस जो कि दावा हुआ था उसका पैसे वहाँ के प्रधान ने दे दिया था, तो इस तरीके से मदद कर दिए थे। ये आपको हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देख सकते हो, गद्यांश के अनुसार मानवता का असली धर्म क्या होना चाहिए। इस तरीके से आपको सामने 4 ऑप्शन मिलेगा, पहला नंबर मिल जाएगा दूसरों की आलोचना करना, 2 नंबर स्वार्थ के काम लेना, 3 नंबर संकट में दूसरों की मदद करना, 4 नंबर दूसरों से दूर रहना। इस तरीके से आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर टिक लगाया हुआ नहीं रहेगा, जो कि मैं पहले से लगा रखा हूँ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संकट में दूसरों की मदद करना मानवता का असली धर्म होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखोगे, रामलाल की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो रही थी। तो इस तरीके से आपको प्रश्न हो जाएगा, इसके बाद इसका उत्तर 4 ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो, पहला नंबर फसल में कमी के कारण, 2 नंबर गांव में बाढ़ आने के कारण, 3 नंबर व्यापार में घाटा होने के कारण, यहाँ पर चौथा नंबर है परिवार में जिम्मेदारी के कारण। तो आपको तो यहाँ पर टिक लगाया हुआ मिलेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको यहाँ पर याद कर लेना है फसल की कमी के कारण, जो कि आपको मैं लगा रखा हूँ ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न जो कि 5 है, जो कि गद्यांश नंबर 1 से 5 प्रश्न बन रहे हैं, तो मैं 4 बता दिया। 5वां नंबर देख सकते हो, गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है, यह क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन में पहला नंबर हो जाएगा कठिनाइयों का सामना करने का, मतलब अकेले करना, 2 नंबर समाज में एकता और सहानुभूति की आवश्यकता, 3 नंबर यहाँ पे 3 नंबर है अपने काम में लगे रहना, 4 नंबर दूसरों में से मदद लेना। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट लगाना है, 2 नंबर समाज में एकता और सहानुभूति की आवश्यकता। ये आपको हो गया गद्यांश क्रमांक 1 से 5 के क्वेश्चन बन रहे थे, 5 का
वह 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 20-20 अंक के 5 पेपर होने वाले हैं 5 सब्जेक्ट के। यहाँ पर देख सकते हो दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न क्रमांक 6 से 11 तक के उत्तर दीजिए। अब इसे पढ़ोगे तो यहाँ से आपको 6 से 11 तक के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिलने वाले हैं उसका उत्तर। तो यहाँ पर यह आपको पूरा यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ से स्टार्ट होता है, इसे पूरा पढ़ना होगा, स्क्रीनशॉट ले लेके पढ़ लेना, या तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा पेपर तो आप पढ़ लेना समय रहेगा तो। यहाँ पे देखोगे पहला नंबर, ई कचरे के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार और कंपनियों कौन से उपाय अपना रही हैं। इस तरीके से आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपको लिखना होगा, लेकिन मैं 4 ऑब्जेक्टिव पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, जो कि मैं यहाँ पर टिक लगा लिया हूँ, आपको एग्जाम में टिक लगाया हुआ नहीं मिलेगा, आप कन्फ्यूज हो सकते हो। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हो, अधिक उपकरणों का उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी, ई कचरे को निपटाने और रिसाइकल के तरीके। सी नंबर मिल जाएगा, उपकरणों के कचरे में डालने के नियम। डी नंबर मिल जाएगा, केवल उपकरणों का निर्यात। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा। अब आप पहले से टिक लगाया देखकर आगे बढ़ सकते हो, लेकिन समझोगे नहीं तो भूल जाओगे एग्जाम में, फिर ये पेपर देखने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा, स्किप नहीं करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो 7 नंबर, ई कचरे से जुड़े खतरनाक रसायन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन मिल जाएगा, 4 ऑप्शन में आपको पहला नंबर मृदा और जल के स्रोतों को दूषित कर सकते हैं, बीनबा नंबर केवल जल को दूषित कर सकते हैं, केवल मृदा को सुरक्षित बना सकते हैं, और डी नंबर कोई प्रभाव नहीं डालते। तो ऑप्शन नंबर है मृदा और जल स्रोत को दूषित कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 पे है राइट आंसर, अ नंबर पे। इसके बाद 8 नंबर आप यहाँ पर देखोगे, यदि किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ई कचरा मिट्टी को में दवा दिया जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या हो सकता है। तो आपको क्या हो सकता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, पहला हो सकता है कि मृदा और जल स्रोत प्रदूषित हो सकते हैं, 2 नंबर बी नंबर पौधे में वृद्धि में सुधार होगा, 3 नंबर मिट्टी उपजाऊ हो सकती है, 3 नंबर जलवायु परिवर्तन में कमी हो सकती है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, मृदा और जल स्रोत प्रदूषित हो सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर 9 नंबर देखोगे तो 9 नंबर आपको समझ आ जाएगा, आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सही निपटान नहीं होता, आपको अपने समुदाय को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। इस तरीके से आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन में आपको मैं डायरेक्ट उत्तर लगाता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव पर एक जागरूक अभियान शुरू करना चाहिए। इस तरीके से आपको डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे जो कि आपको 10 नंबर पे है, 10 नंबर पर ई कचरे को कम करने के लिए उपभोक्ताओं को कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो इस तरीके से आपके सामने 4 ऑप्शन मिल जाएगा, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपको लिखना होगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन आपको पढ़ लेना सभी को, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर लगा लेना, पुराने उपकरणों का रख रखा और लंबे समय तक उपयोग करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर पेज नंबर 2 जो कि 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, आपके घर में एक पुराना लैपटॉप है जो अब काम नहीं कर रहा, और इस लैपटॉप को सही निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, जो कि आप अपने हिसाब से बताना कि आपको क्या होगा। आप उसे जला सकते हो, या उस कचरे को फेंक दो उस लैपटॉप को, या उसे किसी रिस्टोरिंग सेंटर में दे सकते हो जो कि आपको उसको बनवा सकते हो, मतलब आपको वहाँ पर। इसके बाद आपको डी नंबर देख सकते हो, उसे किसी नदी में डाल सकते हो, तो आप उसे बनवाने के लिए भेज सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे अगला क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख सकते हो, फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न क्रमांक 12 से 15 तक के प्रश्न उत्तर दीजिए। अब आपको यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ना होगा, गद्यांश है, इसे पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, स्क्रीन शॉट ले लेके तो आपको यहाँ से ले लेना है। इसके बाद नीचे ऊपर जाना है, ऊपर यहाँ से पढ़ना है, तो इसे पूरा पढ़ना होगा। कंप्लीट होने के बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ 12 स्टार्ट होता है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर देखोगे नदियों के किनारे प्राचीन सभ्यताएं क्यों विकसित हुई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट उत्तर लगाता हूँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नदियाँ जल और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 13 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी का भारतीय समाज पर क्या धार्मिक महत्व है। सबसे पहले आपको पहला नंबर ऑब्जेक्टिव मिलेगा, यह सबसे लंबी नदी है इसलिए इसे माँ के रूप में पूजा जाता है, यह केवल कृषि के लिए उपजाऊ है, यह सबसे अच्छी नदी है, सही स्वच्छ नदी है, ये आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन इसे माँ के रूप में पूजा जाता है क्योंकि गंगा नदी का पूजा होता है इसलिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 14 है, नदियों के प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है। अब आप नदी क्यों दूषित होती है ये बताना होगा, तो बारिश की कमी मतलब कम वर्षा होती है इसलिए दूषित हो जाती है, या आपको बताना अवैध खनन और उद्योगीय अपशिष्ट के कारण, या आपसे सी नंबर प्राकृतिक आपदाएं के कारण, वन कटाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि अवैध खनन और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जो नदी में डाल देते हैं इसी के कारण नदी प्रदूषित होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 15 नंबर क्वेश्चन है, नदियों का प्रदूषण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। अब आपको यहाँ पर चार ऑप्शन मिलेगा, चार ऑप्शन में आपको राइट आंसर लिखना होगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन मैं डायरेक्ट उत्तर लगाता हूँ ऑप्शन में भी, नदियों को कचरा और रसायन नहीं डालना चाहिए, इसी से प्रदूषित होती है। ये आपको हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आपको यहाँ पर देखोगे अगला क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न क्रमांक 16 से 20 तक के उत्तर लिखिए। जो कि इसे आप पढ़ोगे जो गद्यांश है तो आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगा, पूरा नीचे तक ये अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 16 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तितलियाँ किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जल चक्र में, परागण में, मृदा संरक्षण में, जैविक अपघटन में। तो आप परागण राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको 17 नंबर क्वेश्चन देखोगे, तितलियों के घटती संख्या और प्रमुख कारण क्या है। तो आप यहाँ पर देखोगे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग। इस तरीके से प्रदूषण राइट आंसर आपको चार ऑप्शन मिलेगा, सी नंबर लगा लेना, कृषि अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे 18 नंबर क्वेश्चन, परागण की प्रक्रिया बाधित होने से किस पर प्रभाव पड़ता है, वनों का विस्तार, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन, औद्योगिक विकास, वायुमंडलीय संतुलन। आपका बी नंबर लगाना है, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन। इस तरीके से हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 19 है, तितलियों को सुरक्षित करने के का कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावित है। चार ऑप्शन मिलेगा, चार ऑप्शन में आपको राइट आंसर लिखना होगा, लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ देता हूँ। पहला नंबर मिलेगा कीटनाशकों का अधिक उपयोग करना, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, सी नंबर तितलियों के अनुकूल बागानों, बगीचों, बाग बगीचों में स्थापना, और डी नंबर अधिक औद्योगिक। तो ऑप्शन नंबर आपको लगाना है सी नंबर, जो कि तितलियों को सुरक्षित करने के लिए बाग बगीचा लगाना बहुत आवश्यक है, उसी में तितलियाँ रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी लगाना राइट आंसर। इसके बाद आपको 20 नंबर देखोगे, तितलियों को बचाने के लिए किस प्रकार की कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। चार ऑप्शन मिलेगा, पहला नंबर रासायनिक कीटनाशक अत्यधिक प्रणाली, बी नंबर पारंपरिक कृषि प्रणाली, सी नंबर पर्यावरणीय मित्र कृषि प्रणाली, डी नंबर सिंचाई पर आधारित प्रणाली। इस तरीके से आपको सी नंबर लगाना, पर्यावरणीय मित्र कृषि प्रणाली, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, मान लो कि आपको ए आंसर शीट है जो OMR शीट होती है, इसमें आपको मान लो कि ए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से 10 तक में मान लो आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होता है, 1 को गोला लगाना है। इस तरीके से हाथ बहुत अच्छे से लगा लेना, जो गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए। यह OMR शीट हाथ से चेक नहीं होगा, कंप्यूटर से चेक होगा, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक भरना है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि इस पेपर को सभी लोग देख सकें। अब आपको तिमाही परीक्षा होने के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा की फुल तैयारी इसी चैनल के माध्यम होगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।